नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपने जीवन में कभी ना कभी अवश्य सुना होगा कि जब भी व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन प्रवेश करते हैं, उसके संकेत आपको पहले ही मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और आज आपको ऐसे 5 संकेतों से अवगत कराने जा रहा हूं जो 30 अक्टूबर के बाद और दीपावली से पहले मिलना आपको प्रारंभ होंगे। आप धनु राशि या धनु लग्न के जातक हैं, बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हैं, किंतु इस कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं है, क्योंकि ग्रहों की गणना तो आप पहले के कार्यक्रमों में बहुत सी देख चुके हैं। आज हम सीधी चर्चा करने जा रहे हैं कि वो 5 संकेत हैं क्या जो हमें बताएंगे कि हमारे अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। पहला संकेत जो कि आपको बहुत ही अच्छी गतिविधि में प्राप्त होगा, वर्तमान समय में जो मानसिक तनाव आपको देखने को मिल रहा है, टेंशन डिप्रेशन की स्थिति का योग देखने को मिल रहा है, मन विचलित रह रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थितियां बहुत अच्छे से आपके लिए कार्य नहीं कर पा रही है, जो आपका ज्ञान विवेक है वो कहीं ना कहीं खोसा चुका है। 30 अक्टूबर के बाद अवश्य रूप से अनुभूति कीजिएगा कि अब आपका मन प्रसन्न रहना सबसे पहले प्रारंभ होगा। जो तनाव ने आपकी रातों की नींद खो चुकी थी, वो नींद अब बहुत ही शांतिप्रद अवस्था में आपके सामने प्रदर्शित होगी। जो तनाव आपके लिए टेंशन क्रिएट कर रहा था, कैसे करूंगा, होगा कि नहीं होगा, इस कार्य को ऐसा ना कर ऐसा कर लेते तो बेटर होता, उन तनावों से आप अपने आप को दूर होता हुआ पाए जाएंगे। और यही ग्रहों का खेल है, जो ग्रह आपके लिए मानसिक तनाव क्रिएट कर देता है, वही ग्रह अच्छी गतिविधियों में आकर आपको बड़ा सुकून प्रदान करता है। इसको अनुभूति जरूर कीजिएगा कि पिछले समय में जो तनाव बना हुआ था वो स्वतः से धीरे धीरे क्लियर हो रहा है और मन बड़ा शांत रहने लगा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्थिति बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, वो कॉन्फिडेंस अंदर से कूट कूट कर बोल रहा है कि अब मैं सफलता का रास्ता चुन कर रहूंगा, अब मैं सफल होकर रहूंगा। ये पहला संकेत आपको मिलना प्रारंभ होगा, जरूर से फोकस कीजिएगा। दूसरा संकेत जो तनाव का सबसे बड़ा कारण धनु राशि वाले जातकों के लिए बना हुआ था, क्योंकि पिछले लंबे समय में आपके काफी बड़े बड़े लॉस हुए हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो शेयर मार्केट को लेकर हो, चाहे किसी अन्यत्र प्रकार की स्थिति में आपके जो लॉस हुए थे, ये आपकी रातों की नींद उड़ाकर बैठे थे और समझ नहीं आ रहा था कि इस लॉस की रिकवरी कैसे होगी और इस लॉस से बाहर कैसे निकलूंगा। मेरे कहने से 30 अक्टूबर के बाद नोटिस करना प्रारंभ कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा 30 अक्टूबर से ही जादू होगा और जितना भी बड़ा लॉस है वो पूर्ण हो जाएगा, किंतु इस लॉस को पूर्ण करने के जो अभी तक आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे, ये 30 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे आपका रोड मैप क्लियर होगा कि किस प्रकार इन जो लॉस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, हानि हुई है, इसकी रिकवरी होगी और वो रिकवरियां होती हुई दिखाई देना आपको प्रारंभ हो जाएगी। ये आपके लिए दूसरा बेहद सुंदर गतिविधि का संकेत है। तीसरा संकेत जो देने जा रहा है आपको कूट कूट कर सेल्फ कॉन्फिडेंस की शक्ति। हर व्यक्ति मेहनत करता है, हर व्यक्ति एक उम्मीद के साथ मेहनत करता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका रिजल्ट मुझे प्राप्त होगा, किंतु सत्यता यह है कि पिछले लंबे समय से आपकी मेहनत के रिजल्ट ही आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बार बार एक तारीख से मेहनत करना चालू करते हैं, 30 तारीख तक लगातार मेहनत करते हैं इस होप के साथ कि इस बार रिजल्ट आएंगे, और फिर वो रिजल्ट नहीं आते जो आपके साथ आना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योग किसे बताया गया है कि मेहनत के अंदर यदि व्यक्ति को भाग्य का साथ भी जुड़ जाए तब बन जाता है व्यक्ति व्यक्ति विशेष। और यही स्थिति आपको 30 अक्टूबर के बाद दिखना प्रारंभ होगी कि आपके द्वारा जो मेहनत की जा रही है इसके श्रेष्ठ कारक रिजल्ट आपको निकलकर आना प्रारंभ होंगे। इसको देखिएगा और इन स्थितियों में भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देना चालू करेगा। तो तीसरा जो संकेत है कि भाग्य की स्थितियां आपका साथ देना 30 अक्टूबर के बाद और दीपावली से पहले ही प्रारंभ कर देंगी, जरूर से नोटिस कीजिएगा। चौथा संकेत आपके लिए क्या है, आपके लिए
अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना आप डिजर्व करते हैं, वो अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखेंगे आपकी आय में वृद्धि की स्थितियां किसी भी प्रकार से बने, चाहे आपका प्रमोशन हो गया, चाहे आपने एक से अधिक आय के लिए कोई स्रोत निर्मित कर दिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं व्यापार में वृद्धि हो गई, या साइड बिजनेस के चलते आप एक और अर्निंग करना चालू कर दिया, इस प्रकार की कुछ गतिविधियां आपके लिए प्रारंभ होने जा रही है। 30 अक्टूबर के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने कोई ऐसे प्रपोजल आएंगे जो या तो आपकी आय में वृद्धि करेंगे या फिर एक से अधिक आय के आयाम आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। और इस चौथे संकेत के अंदर ही सबसे बड़ी गतिविधि, उसमें आप सक्सेस भी होगे, उसमें भाग्य भी आपका साथ देगा, और यही वो सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों को बैलेंस कर आपको वृद्धि कारक अवस्था बनाकर देगा, जो आपके लॉस हुए हैं उसकी रिकवरी करने के रास्ते बनाकर देगा। और पांचवा और सबसे प्रमुख संकेत जो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, चाहे वो योगी हो, चाहे वो रोगी हो या फिर हो भोगी, हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं, कुछ डिजायर्स होती है, और उन डिजायर्स को पिछले लंबे समय से आप चाहकर भी पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, ड्यू टू बड़े लॉस, ड्यू टू मेहनत के रिजल्ट ना आने की स्थिति के चलते। किंतु अब आप अपनी बड़े से बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की स्थिति की प्लानिंग जो करेंगे, उसमें आप सक्सेस भी होंगे और अपनी डिजायर्स को भी पूर्ण करेंगे, और योग कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं कि ना सिर्फ आपकी मनोकामना अपितु आप अपने परिवारजनों की मनोकामनाएं पूर्ण करने में भी दक्षता हासिल करें। इस सुंदर गतिविधियों की सुगंध आपको 30 अक्टूबर के बाद और दीपावली से पहले मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।